सूर्य के असर पर शनिवार को विदर्भ फार्मेसी एसोसिएशन और ताईवाड़ी इंस्टीट्यूट ऑफ डिप्लोमा इन फार्मेसी की ओर से एक समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुलिस उपायुक्त विनीता शाहू समेत अन्य लोग उपस्थित थे। हर साल 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है। फार्मासिस्ट दवा और औषधि की ज्ञाता होते हैं और दवा केंद्रों में काम करते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में फार्मासिस्ट का बहुमूल्य योगदान रहता है। आसान शब्दों में कहें तो फार्मासिस्ट रोगी की देखभाल करने के साथ ही चिकित्सक टीम के सदस्य होते हैं। कोरोना काल में भी फार्मासिस्ट की भी भूमिका अहम रही। इसी के चलते वर्ल्ड फार्मेसी डे के अवसर पर शनिवार को विदर्भ फार्मेसी एसोसिएशन और ताईवाड़ी इंस्टीट्यूट ऑफ डिप्लोमा इन फार्मेसी की ओर से एक समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुलिस उपायुक्त विनीता शाहू समेत अन्य लोग उपस्थित थे। बता दें कि इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन ने साल 2009 में तुर्की के इस्तांबुल में FIP वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिकल साइंसेस की मीटिंग में विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाने के लिए वोट किया था। उस साल से विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाने की शुरुआत हुई। इसका मुख्य उद्देश्य फार्मेसी से जुड़े लोगों के सराहनीय कार्य के प्रति सम्मान और आभार प्रकट करना है, साथ ही फार्मेसी क्षेत्र को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना है। इंजीनियर का काम इंजीनियर करता है, आर्किटेक्ट का काम आर्किटेक्ट करता है, कोई प्लम्बर का काम प्लम्बर करता है, लेकिन फार्मासिस्ट का काम कोई और कैसे कर सकता है मुझे कभी भी समझ में नहीं आया। ये प्रोफेशनल एथिकल चीज़ जो है, एक भावना जो है यह हमारे बीच नहीं है, इसका मुझे बहुत दुख है। लेकिन मेरा ये बिल्कुल बिलीफ नहीं है। मैं अभी दिव्य सर से बात कर रही थी, उनका तरफ थोड़ा सा अप हो गया है तो वो कहते हैं कि मेरा मन नहीं है फार्मासिस्ट, लेकिन मुझे ऐसा कभी नहीं लगता। फार्मासिस्ट आज भी बहुत पेशेंटफुल है और संयमी है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।